नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम आपको समझाते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। आपने कई बार नाम सुना होगा ज्वार भाटा शब्द क्या होता है, तो ये होता क्या है, ये इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं ज्वार भाटा से संबंधित। सबसे पहले आज हम देखेंगे ये ज्वार भाटा होता क्या है, फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, जब ये समझ लेंगे ज्वार भाटा होता क्या है तो आपके दिमाग में आएगा ये आते क्यों हैं, फिर इसके बाद ये केवल समुद्र के ऊपर अर्थात पानी में ही इनका प्रभाव क्यों दिखाई पड़ रहा है, छोटे और बड़े ज्वार भाटा क्या होते हैं, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। इसी से संबंधित एक घटना है, पूर्णिमा क्या होती है और अमावस्या क्या होती है, क्योंकि इस ज्वार भाटा पर पूर्णिमा और अमावस्या का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आज दोस्तों अमावस्या, पूर्णिमा, ज्वार भाटा कैसे आते हैं, इस सारी डिटेल के साथ हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ज्वार भाटा होता क्या है। दोस्तों अगर आप समुद्र के तट पर खड़े हो जाएं और 24 घंटे तक आप खड़े रहें तो आप देखेंगे समुद्र का पानी पीछे की ओर हटेगा, फिर वही समुद्र का पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा, और ऐसी घटना 24 घंटे में दो बार होगी। तो समुद्र के जल का पीछे हटना और समुद्र के जल का ऊपर की ओर बढ़ना, इसी को कहा जाता है भूगोल की भाषा में ज्वार भाटा, और ये 24 घंटे में दो बार ज्वार और दो बार भाटा आता है। हम सारा डिटेल समझेंगे ऐसा क्यों होता है, तो बस इसी घटना को भूगोल की भाषा में ज्वार भाटा कहते हैं। अब ज्वार और भाटा दो शब्द अलग अलग हैं। ज्वार और भाटा, जब दोस्तों समुद्र का जल पीछे की ओर हट जाता है और वहां पर स्थल निकल कर आ जाता है तो उसे कहते हैं भाटा, और जब समुद्र का जल ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसको कहते हैं ज्वार। तो दो शब्द हैं ज्वार और भाटा। अब आइए दोस्तों देखते हैं आखिर ये ज्वार और भाटा आते क्यों हैं। दोस्तों पृथ्वी जो है आप देख रहे हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। आप देखेंगे इस तरफ सूरज और दूसरी ओर चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो इन्हीं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से पृथ्वी पर ये घटना मिलती है, ज्वार और भाटा की घटना देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये ज्वार और भाटा आपको केवल समुद्र पे ही क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, और भी जगह क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर एक पानी का गिलास लेंगे, पानी का गिलास अगर उसे हल्के से भी टच करेंगे तो आप देखेंगे पानी हिलने लगेगा, और अगर वहीं आप एक बड़ा सा चट्टान लेंगे और आप उसमें कस के भी मारेंगे तब भी वह चट्टान हिलेगी नहीं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जल जो है बल के प्रति बहुत सेंसिटिव है, लेकिन स्थल जो है वो बल के प्रति इतना सेंसिटिव नहीं है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल चाहे वो सूर्य का हो चाहे वो चंद्रमा का हो, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल स्थल और जल दोनों पर लग रहा है, लेकिन स्थल पर आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन जल पर आप उसको स्पष्टता देख भी सकते हैं। तो इसलिए ये समुद्र के जल में ज्वार और भाटे आपको आसानी से दिखाई पड़ेंगे। अब दोस्तों इधर देखिए, ये सूर्य है और इधर है चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आप देखेंगे काफ़ी कम है, अगर आप तुलना करेंगे पृथ्वी और सूर्य की तुलना में, पृथ्वी और सूर्य की तुलना में चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव किसका कितना पड़ता है, आप देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। वहीं आप देखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है 384,400 किलोमीटर के समथिंग है। अब आप देखिए कहाँ ये 384,000, अगर इसे मान भी लें 4 लाख, और कहाँ 15 करोड़ किलोमीटर, तो चंद्रमा जो है काफ़ी करीब है पृथ्वी से सूर्य की तुलना में। अब आप बताइए जो पृथ्वी के करीब होगा उसी का तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा पृथ्वी पे, तो अब ये सी बात है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी पर ज़्यादा लगता है, और ये चंद्रमा का ही प्रभाव ज़्यादा होता है पृथ्वी पर ये जो ज्वार और भाटे आते हैं। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि ज्वार और भाटे एक दिन में अर्थात 24 घंटे में दो बार ही क्यों आ रहे हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं ज्वार भाटा किस प्रकार से आता है। ये देखिए यहाँ पर है चंद्रमा और ये है पृथ्वी, आप देखिए, और ये मान लीजिए ये महासागर है, ठीक है, ये वाला स्थल, ये वाली जगह जो है महासागर है। अब आप देखिए यहाँ पर जब चंद्रमा है इस स्थिति में, अब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इस पृथ्वी के ऊपर,
तो ये जो जल राशि है, अब ये क्या होगा, इसकी ओर खिंचाव होगा। जब ये इसकी ओर खींचेगी तो मान लीजिए अब ये इस टाइप से कोई रबर है, जब आप इसको आगे की ओर खींचोगे तो ये नीचे की ओर होगा, ये वाला भाग इस तरफ की ओर होगा। तो इन स्थानों पर जो आएगा, हमने बताया था जहाँ पर जल पीछे की ओर हटता है उसे कहते हैं भाटा, और जहाँ पर जल ऊपर की ओर बढ़ेगा मतलब इन वाले स्थानों पे आप देखिए चंद्रमा की ओर खिंचाव है तो ये जल स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो इसी को कहते हैं ज्वार। मतलब देख रहे हैं आप, जब चंद्रमा की स्थिति ये है तो इसके सामने वाले और इसके जस्ट पीछे वाले बिंदु ये सी है और ये ए बिंदु पर आएंगे ज्वार, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन की गति के कारण क्या होगा, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगेगा। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने एक पत्थर एक धागे में बांध लिया और इसको चारों तरफ घुमा रहे हैं और आप उसको अगर छोड़ देंगे उस पत्थर को तो वह एकदम बाहर की ओर चला जाएगा, तो जो बाहर की ओर बल लग रहा था पत्थर के ऊपर वही बल जो होता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। यही पृथ्वी के ऊपर भी लगता है घूर्णन गति के कारण। तो यहाँ पर देखिए अपकेंद्रीय बल की वजह से ये बाहर की ओर खिंचा है, यहाँ भी आएंगे ज्वार और यहाँ भी आएंगे ज्वार और यहाँ पर आएंगे भाटे, क्योंकि यहाँ का जल अगर खिंचाव इधर की ओर और इधर की ओर है तो ये जल स्तर अंदर की ओर आएगा और इसीलिए यहाँ पर भाटे और यहाँ पर ज्वार आते हैं। तो ये है ज्वार और भाटा आने का तरीका। अब आइए समझाते हैं आपको 24 घंटे में दो बार ज्वार और दो बार भाटा क्यों आता है। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि प्रत्येक 12 घंटे के बाद ज्वार और प्रत्येक 12 घंटे के बाद भाटा कैसे आता है। आप देखिए, मान लीजिए ये पोजीशन है चंद्रमा की, का पोजीशन पे चंद्रमा है और पृथ्वी का ये वाला देशांतर जो है चंद्रमा के सामने आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चंद्रमा की ओर क्या होगा, खिंचाव गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर जल का स्तर बढ़ जाएगा, जल के स्तर के बढ़ने को हमने क्या बताया था, ज्वार आएगा, इसी को कहते हैं ज्वार। अब ये देखिए यही वाला देशांतर घूमकर जब इस स्थिति पे आ गया, यहाँ वाली स्थिति पे जब यहाँ आया तो यहाँ पर फिर ज्वार आएगा, तो इस स्थिति में ये क्या होगा, अंदर की ओर ये जल धसेगा, तो जल स्तर जो है घटेगा इसका इस पोजीशन पे, क्योंकि कोई अगर इधर से खिंचाव होगा तो ये इधर दबाव पड़ेगा तो यहाँ जल स्तर घटेगा और जल स्तर के घटने को क्या कहेंगे, भाटा। अब देखिए फिर जब यही वाला देशांतर घूम के इसके विपरीत पॉइंट पे आ जाएगा, इसके विपरीत बिंदु पे आ जाएगा, तो जब विपरीत बिंदु पे आया तो यहाँ देखिए फिर आएगा ज्वार, तो इसके विपरीत वाले बिंदु पे क्या आ जाएगा, ज्वार फिर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपकेंद्रीय बल पृथ्वी का लगेगा तो फिर ज्वार आएगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे ज्वार आया तब तो 12 घंटे के बाद अपोजिट बिंदु पे फिर ज्वार आया है। अब देखिए फिर यहाँ से चल के जब यह बिंदु यहाँ पे फिर आएगा, यही वाला देशांतर, यही घूम रहा है देशांतर पूरा, जब ये देशांतर यहाँ आएगा तो यहाँ पे जो ज्वार आएगा तो ये अंदर की ओर धंसेगा, जब जल स्तर यहाँ घटेगा तो फिर यहाँ पर आएगा भाटा। अब फिर जब घूम के यहाँ पर आएगा तो फिर आप देखिए, अब आपको समझ आया, सबसे पहले ये देशांतर यहाँ पर चंद्रमा की वजह से आया ज्वार, फिर जब यही देशांतर मिलकर इस 90 डिग्री पे आ गया इस वाली पोजीशन पे तो यहाँ पे आएगा भाटा, जब यहाँ पे आया भाटा तो फिर यहाँ पे पहुँचा यही देशांतर तो फिर इसकी वजह से यहाँ पर जो आएगा ज्वार तो फिर यहाँ भी आएगा ज्वार, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ आएगा भाटा अंदर की ओर धंसेगा फिर यहाँ पर आएगा ज्वार। तो आपने देखा 24 घंटे में दो बार ज्वार आया और दो बार भाटा आया, लेकिन दोस्तों ये 24 घंटे के अंदर आया जरूर है, लेकिन इनके बीच आप देखेंगे ज्वार और ज्वार के बीच में घंटा जो है 12 घंटे नहीं है पूरे, और भाटा के बीच भी पूरे के पूरे 12 घंटे नहीं है, 12 घंटे 26 मिनट। आखिर ये 26 मिनट का क्या, कैसे डिले हो जा रहा होगा, एग्जैक्ट 12 घंटे क्यों नहीं आ रहा, आइए वो भी समझाते हैं। जब ये वाला देशांतर था तो पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, जब घूम कर ये वापस यहाँ पर यही देशांतर आएगा तो आप याद रखिए केवल पृथ्वी ही नहीं घूम रही है, चंद्रमा भी 29 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ले रहा है, 29 दिन में चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर रहा है। जब ये वाला देशांतर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये चंद्रमा भी तो गतिमान है, जब ये वाला देशांतर पृथ्वी का घूम के इस बिंदु पर आएगा तो तब तक चंद्रमा अपनी इस स्थिति पे नहीं पहुंचा होगा, हल्का सा इधर इस तरफ वो भी बड़ा होगा क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी की गति कर रहा है, तो इस वजह से ये 26 मिनट का डिले आ रहा है। यहाँ पे देखिए जब ये ज्वार आया था
आप देखेंगे 12 घंटे 26 मिनट के बाद ये वाला ज्वार यहाँ पर ज्वार आएगा, जो 26 मिनट का डिले इसलिए हुआ क्योंकि चंद्रमा भी इस तरफ बढ़ गया है। जब चंद्रमा इस तरफ बढ़ गया तो ज्वार बिल्कुल इसके अपोजिट नहीं आएगा, हल्का सा यहाँ जाने के बाद, क्योंकि ये ज्वार इस तरीके से आएगा, चंद्रमा यहाँ कहीं पहुँच गया होगा उस स्थिति में, तो इस वजह से ये 26 मिनट का डिले होता है। अब जब ये वाला देशांतर घूम के बिल्कुल जब यहाँ पहुँचने वाला होगा इस स्थिति पे जहाँ पहले ज्वार आया था, अब चंद्रमा तो वहाँ नहीं है क्योंकि चंद्रमा भी तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो चंद्रमा भी आगे बढ़ गया, तो इस वजह से यहाँ आप देखेंगे ये वाला टाइम डिफरेंस फिर आ जाएगा। ये जो 26 मिनट जब यहाँ से यहाँ हो रहा है तो 26 मिनट यहाँ से यहाँ भी होगा, मतलब 52 मिनट का डिले हो जाता है। एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आने में 12 घंटे 26 मिनट लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं हमने आपको बता दी। अब आइए दोस्तों बताते हैं बृहद ज्वार, बड़े ज्वार और लघु ज्वार क्या होते हैं। लघु ज्वार, बृहद और लघु ज्वार, आप देखिए ये है स्थिति पूर्णिमा की, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के बिल्कुल एक लाइन में हैं। आप देखेंगे अब जब चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यहाँ तीनों के तीनों मिलके इसकी ओर बहुत बड़े बड़े बल लगेंगे, तो इस वजह से ये वाले जो बल हैं ये और इस तरफ ज़्यादा बल लगेंगे, इस वजह से यहाँ का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसी स्थिति में यहाँ का जल स्तर काफ़ी कम हो जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं बृहद ज्वार। बृहद ज्वार का मतलब बड़े ज्वार, और ये हो गए बृहद भाटा, ये वाले बृहद भाटा हो गए और ये हो गए बृहद ज्वार। और इसी के दूसरी स्थिति में अगर चलेंगे, जब अमावस्या की रात में आप क्या देखेंगे, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी है। अब देखिए यहाँ पर इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में भी आप देखिए गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, और उसी के विपरीत आप देखेंगे पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे फिर बहुत बड़े बड़े ज्वार आएंगे इन, क्योंकि खिंचाव इधर और इधर ज़्यादा होगा और यहाँ फिर दबाव ज़्यादा होगा, तो इसी को फिर कहेंगे बृहद ज्वार, बृहद ज्वार, और यहाँ पर आएंगे बृहद भाटा। तो आपको समझ आ गया, बृहद ज्वार मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार और बृहद भाटा आते हैं। अब आइए समझते हैं लघु ज्वार और लघु भाटा। अब देखिए ये जो आपने हिंदी मास में सुना होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है जब चंद्रमा का धीरे धीरे चमकना शुरू होता है और पूर्णिमा पर जाकर चंद्रमा पूर्ण प्रकाशमान हो जाता है, और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है, कृष्ण का अर्थ काला होता है, मतलब चंद्रमा अंधेरे की ओर बढ़ेगा और अमावस्या वाले दिन पूरा अंधकार हो जाएगा, तो वो होता है कृष्ण पक्ष, और जहाँ चंद्रमा बढ़ के पूर्णिमा तक पहुँचता है वो होता है शुक्ल पक्ष। अब देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ये होता है अष्टमी या सप्तमी की तिथि होती है, क्योंकि 15 दिन की साइकिल इधर और 15 दिन की इधर, ये शुक्ल पक्ष और ये कृष्ण पक्ष, मतलब चंद्रमा घटते घटते अमावस्या, चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा, तो 15 15 30 लगभग 29 दिन का एक चक्र होता है चंद्रमा का, तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है। अब ये सप्तमी या अष्टमी वाले दिन चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली अगर कोई रेखा है तो इनके बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा। इस 90 डिग्री एंगल के टाइम पे क्या होगा, सूर्य देखिए इधर गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, जब सूर्य इधर लगाएगा तो ये चीज़ अंदर की ओर दबेगी, अंदर की ओर। अब यहाँ उसी टाइम पे देखिए चंद्रमा भी इसी ओर बल लगा रहा है, अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बल लगा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में लघु ज्वार आएंगे, लघु ज्वार, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इस वजह से ज्वार तो आएंगे लेकिन वो लघु ज्वार होंगे, और भाटा जो आएंगे उन्हें लघु भाटा कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर होगा, ये देखिए पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री है, सूर्य इधर खींच रहा है, चंद्रमा इधर खींच रहा है, सूर्य इधर खींचेगा तो ये ऊपर बढ़ेगा और चंद्रमा इधर खींचेगा तो ये भाग इधर बढ़ेगा, तो इस स्थिति में भी लघु ज्वार और लघु भाटे आते हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे लघु ज्वार और लघु भाटा, और इस स्थिति में बृहद ज्वार बृहद भाटा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल एक ही तरफ खिंचाव है,
और दूसरी ओर पृथ्वी का घूर्णन गति की वजह से अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यहाँ भी यही है, ये है पूर्णिमा और ये है अमावस्या।